एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज ज्योग्राफी की क्लास थर्ड है और आज हमें पढ़ना है लैगून झील क्या होती है और ये किस तरीके से बनती है, क्या क्या रीजंस रहते हैं इसके बनने के, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल में साथ साथ शेयर करते हैं। ठीक है, लैगून झील कौन सी होती है? देखिए, बहुत सारी लेक्स होती हैं। ठीक है, जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ता है उसे पता है बहुत सारी लेक्स होती हैं। ऑक्सपो लेक होती है, ठीक है, बहुत टाइप की होती है, बट आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट इज लैगून झील। ये झील बनती कैसे है? ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लैगून ही बोलते हैं। ठीक है, और झील यानी कि लेक। अब बात करते हैं बनती कैसे। देखिए, ये है ओशन या फिर सी। ठीक है, ये है लैंड या कोस्टल एरिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, सपोज मैंने आपको अभी बताया नहीं है ओशन, वो क्लिप में बताएंगे। ठीक है, ये ओशन होता है। ठीक है, यहां पर भी मैं लिख देती हूँ ओशन। ओशन में क्या होता है, बहुत तेज तेज लहरें उठती हैं। ठीक है, ये जो लहरें हैं वो यहां पर टक्कर मारती है। जैसे ही वो यहां पर यहां से टकराएगी, ये वाला जो लैंड होगा ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार क्लियरली बना देती हूँ दोबारा से। ठीक है, ये है ओशन और यहां पर है लैंड। जब ये पानी यहां से इस कोस्टल एरिया से टकराता है तो ये जो लैंड है ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, कुछ मतलब पानी यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, कुछ सालों में ये इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, समंदर के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। कचरा यानी कि बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक है, सॉयल है, जितना भी समंदर में ओशन में कचरा जमा हो जाता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं सिल्ट। ठीक है, उसको बोला जाता है सिल्ट, SILT, सिल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ जमा हो गया, जमा हो जाता है किनारे किनारे। ठीक है, किनारे की तो बात कर रहे हैं, यही तो कोस्टल एरिया है हमारा, ये तो ओशन है, ये सारा ओशन है। ठीक है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ ओशन है। तो क्या होता है, अब ये जो सिल्ट, अब लहरें यहां से उठेंगी, जब लहरें यहां से उठती हैं तो इस सिल्ट को ये उठाकर यहां पर लगा देती है। ठीक है, जब ये सिल्ट उठाकर यहां पर लगा देगी तो यहां से हटकर सिल्ट यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और ये वाला सिल्ट यहां पर इकट्ठा हो गया। अब हमारी जो लैगून लेक है वो ये बन गई, इसे कहते हैं लैगून लेक। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाया है कैसे बनती है। ठीक है, बेसिकली जो समंदर, जो ओशन है, ओशन वाटर है, समंदर का ही पानी जब थोड़ा सा अलग हो जाए, ठीक है, और उसी लैंड पर थोड़ा सा अलग हो जाए समंदर के पास में ही, और ब्लॉक हो जाए किसी भी सिल्ट से या किसी भी चीज से, तो उसे कहते हैं लैगून लेक। यानी कि समंदर के पास ही लेक बन गई पर रास्ता बंद हो गया है। ठीक है, जैसे ये सिल्ट ने ब्लॉक कर दिया, इस पानी को अंदर लॉक कर दिया। अब ये पानी यहां से ना अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है लैगून लेक। अब बात करते हैं इंडिया की लार्जेस्ट
लेगुन लेक कौन सी है, ठीक है, लेगुन लेक कौन सी है, चिल्का लेक ओडिशा में, ठीक है। ये एक ऐसी लेक है जो ओशन का वाटर जो है वो लैंड पे से अलग हो गया है और लॉक हो गया है, ठीक है, उसे कहते हैं लेगुन लेक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स की तरफ से, मतलब प्रीलिम्स में आने के लिए। तो चिल्का लेक ओडिशा में लार्जेस्ट है लेगुन लेक के मामले में। अब मैंने आपको ये बता दिया क्या होती है लेगुन लेक, अब इसका यूज क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन या यूज क्या यूज होगा, आप सोच के बताओ मुझे कि अगर ये लैंड है यहाँ ओशन का पानी लॉक हो जाता है इतने हिस्से में और यहाँ पर सिल्ट है, ये लैंड है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली बन गई लेगुन लेक, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज आता है पोर्ट्स बनाने में, जो कि शिप के लिए पोर्ट होता है ना उसके यूज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहां से थोड़ा सा जो सिल्ट है ना वो कट कर देंगे, ठीक है, जब हम यहां से सिल्ट कट कर देंगे, ठीक है, और इस जगह हम बना सकते हैं अपना पोर्ट, सी पोर्ट, ठीक है, शिप के लिए जो पोर्ट जहां पर शिप जाता है, ठीक है, या जहां पर भी उसकी लोडिंग वगैरह होती है, तो यहां पर हम पोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, बेसिकली बनते भी हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो उसका यूज क्या होता है कि जो पोर्ट होता है ना ये बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाता है, अगर सुनामी आती है, अगर सुनामी की लहरें आती हैं तो वो इस सिल्ट को पार नहीं कर पाती है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोर्ट होता है ना ये बच जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर से जो पोर्ट होते हैं ना वो यहाँ पर बना लिए जाते हैं। अब शिप क्या करेगा, यहां से आएगा और इस तरीके से करके यहाँ पर लैंड हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, एक बार मैं दोबारे से बता देती हूँ, ठीक है, जितना यहाँ पर जब देखिए जल्दी से दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, देखिए जब ये ओशन होता है यहाँ पर सीधे लैंड को ओशन ऐसा बना देता है, ठीक है, ऐसा बनाने के बाद यहाँ पर सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, जब यहाँ सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा तो पानी की लहरें इसको धकेल धकेल के इस पोर्शन को लॉक कर देती हैं, और जब लॉक कर देती हैं ये वाला जो पानी है ये लॉक हो जाता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं, मतलब ओशन का ही एक पार्ट होता है बट वो लॉक कर दिया जाता है, समंदर से कट जाता है, उसे कहते हैं लेगून झील। और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, हम इस सिल्ट को यहां से कट करके यहाँ पर पोर्ट बना सकते हैं जो कि सुनामी से सेफ रहेगा और जो हमारा शिप है वो ऐसे करके यहाँ पर लैंड कर सकता है, सॉरी मतलब यहाँ पर रुक सकता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन समझ में आई, लेगुन लेक क्या होती है समझ में आई, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेगुन लेक है चिल्का और वो है ओडिशा। देखिए ये लेगुन लेक से रिलेटेड टॉपिक नहीं है बट एक मैं मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, जरूरी समझती हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है लैंड, लैंड मतलब कोई भी माउंटेन या फिर माउंटेन का टुकड़ा समझ लीजिए, कोई केव है सपोज, ये है एक माउंटेन, ठीक है। ये जो माउंटेन है पानी जब यहां पर जाता है तो इसको ऐसे कट कर देती है, ठीक है। इस माउंटेन को ये लैंड नहीं है माउंटेन है, इस माउंटेन को पानी अपनी लहरों से काट देती है, इस पहाड़ को काट देती है। जब इस पहाड़ को काट देगी तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना ये बेसिकली मिलिट्री के लिए बहुत यूजफुल होता है। वो कैसे, सपोज यहां पर ऊपर इसके कुछ प्लास्टिक या शेड टाइप का डाल लिया जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है इस वाले पोर्शन में ना कोई भी सबमरीन पार्क कर सकते हैं हम, ठीक है। हमारी जो शिप्स होती हैं मिलिट्री शिप्स होती हैं उनको यहां पर रख सकते हैं इसके अंदर,
अब आप कहोगे कि इसके अंदर ही क्यों रखते हैं, हम यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि सैटेलाइट से ये चीज दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये एक माउंटेन का ही हिस्सा लगता है सैटेलाइट से। अगर यहाँ पर सबमरीन ये शिप जो शिप्स हैं वो अगर सैटेलाइट से अगर यहाँ पे पार्क होते हैं तो नजर आ जाते हैं सैटेलाइट से। तो उससे क्या होता है, जो अदर कंट्रीज होती हैं वो देख सकती हैं कि इनके जो मिलिट्री शिप्स है ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसको खुफिया बनाने के लिए ये जो केव्स होती है ना, इनका यूज मिलिट्री पर्पस के लिए हो जाता है, ताकि कोई भी सबमरीन या मिलिट्री शिप को कोई सैटेलाइट या दूसरी कंट्री देख ना पाए, ठीक है, और बिल्कुल सेफली यहां से जा सके। चलिए, ये दो चीजें समझ में आई जो मैंने मिलिट्री पर्पस के लिए ये बताया, और इसके अलावा लैगून झील, ठीक है। चलिए, लैगून झील उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।